कांग्रेस ने देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए उनियाल ने कहा, मैंने कड़ी मेहनत की है और अपनी मेहनत के दम पर आज ये मुकाम हासिल किया है। मैंने पान का खोका चलाने से लेकर ठेकेदारी करने तक के सभी काम किए हैं। मेरे बेटे और बेटी दोनों जॉब करते हैं जिससे मैंने ये संपत्ति खरीदी है और मैं सरकार को सारी संपत्ति के टैक्स देता हूँ। देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने इल्जाम लगाया कि महापौर की संपत्ति काफी बढ़ गई है। चार सालों में महापौर की इतनी संपत्ति बढ़ना किसी के गले नहीं उतर रहा है। उन्होंने चुनाव के समय में जो संपत्ति दिखाई थी अब उससे 100 गुना ज्यादा उनकी संपत्ति है। उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं जिस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी मौन साधे बैठी हुई है। महरा ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में भी भाजपा के आरोपी शामिल थे और जो VIP इस केस में नहीं पकड़ा गया है वो भी भाजपा से ही जुड़ा होगा। सुनील उनियाल गामा जी जिनके प्रपत्र आज पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, उनकी संपत्ति जिस तेजी से इन 5 सालों में बल्कि 4.5 सालों में बढ़ी है वो बड़े आश्चर्य में डालने वाली है। उन्होंने जो चुनाव के समय में अपनी संपत्तियां दिखाई थी घोषणा में उस पे करीब करीब 100% की बढ़ोतरी हो गई। गामा जी ने जो संपत्तियां खरीदी हैं वो छिपी नहीं है, ये RTI से निकाली हुई संपत्तियां हैं जो उन्होंने अपने नाम पे, अपनी पत्नी के नाम पे, अपने पुत्र के नाम पे खरीदी हैं। ये उनको सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए आखिर ये आमदनी हुई कहाँ से, क्योंकि आय से ज्यादा संपत्ति का मामला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आरोपों पर महापौर सुनील उनियाल गामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं 18 साल की उम्र से मेहनत कर रहा हूँ। मैंने पान का खोखा चलाने से लेकर वीडियोग्राफी और ठेकेदारी तक का काम किया है। मेरी ठेकेदारी अच्छी चलती थी, मैं बी कैटेगरी का ठेकेदार था, लेकिन महापौर बनने के बाद मैंने निकाय में ठेकेदारी छोड़ दी और अपने तमाम लाइसेंस भी निरस्त करवा लिए। मैं अपनी सारी संपत्ति का टैक्स देता हूँ। मेरी संपत्ति किसी से छुपी नहीं है। जो लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उनका इतिहास भी आप लोग जानते हैं, वो लोग क्या करते हैं और उन पर क्या मामले चल रहे हैं। जितनी मैंने संपत्तियां जोड़ी हैं वो मैंने सब RTI में, मैंने अपनी इनकम टैक्स भरता हूं, ये तभी तो आपको मिली है। अगर मैं छिपाता तो कहां से आपको मिलती। जो मेरे कुछ मित्रों ने ये निकाली हैं, मैंने सारी संपत्ति अपनी घोषित कर रखी है, कोई अवैध संपत्ति नहीं है, कोई अघोषित संपत्ति नहीं है, सारी बेनामी, कोई मेरे पास बेनामी संपत्ति नहीं है। जितनी संपत्ति है उसका टैक्स देता हूँ, बाकायदा टैक्स भी सरकार को ठीक ठाक देता हूँ, कोई ऐसा नहीं है। और मजे की बात यह है कि जब मैं ठेकेदारी करता था तो ठेकेदारी भी बी क्लास का कॉन्ट्रैक्टर था वो, तो जब से मैं निगम में मेयर बना तब से मैंने ठेकेदारी के सब जगह के विभाग के लाइसेंस रद्द कराए। क्यों? मैंने कहा सरकारी काम करना अब मेरे लिए ठीक नहीं है। 18 साल की उम्र से 40 साल तक काम ही कर रहा हूँ भैया। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।